हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ओके। सो अभी सुबह मैंने करंट फीलिंग्स अपडेट डाला था, बेसिकली चैनल रीडिंग थी, बट आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया और मैंने जितने आपको लाइक्स का टारगेट आज भी दिया था आपने कंप्लीट कर दिया है। सो प्राउड ऑफ यू गाइज, लव यू गाइज। सो इस वीडियो का टारगेट होगा 8,000 लाइक्स। आपको इस वीडियो को 8,000 लाइक्स तक पहुंचाना है। आई एम वेरी श्योर कि आप पहुंचा दोगे, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार ही इतना करते हो। सो जल्दी जल्दी लाइक्स को 8,000 तक कर दो और वीडियो शुरू होते होते ही तुरंत कर दो लाइक, ठीक है? बाद में आप भूल जाते हो, भूलते नहीं हो, काफ़ी लोग भूलते नहीं हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, उनके लिए ठीक है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे वो, क्या वो बात करेंगे या कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे या फिर आपको मिलने आएंगे या फिर क्या कुछ कर सकते हैं, उनके एक्शंस क्या होंगे वो हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। मैं जितना हो सके डिटेल करने की कोशिश करूँगी, सारी चीज़ों को आपके सामने बताने की कोशिश करूँगी और प्रॉब्लम्स भी देखूंगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर वो पर्सन इतना प्यार करते हैं आपसे तो वो आ क्यों नहीं रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है? तो उनका नेक्स्ट मूव, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सो हम पहले देख लेंगे ताकि आप यू नो रेडी हो जाए उनसे डील करने के लिए। सो चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत बहुत ही ब्यूटिफुल कार्ड से कर रही हूँ। आपको आगे इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में प्लीज़ अपने पर्सन पे फोकस करिए, जितना हो सके क्लियरली उनके बारे में सोचिए विथ लव। सुबह का वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो फर्स्ट कमेंट में उसकी लिंक दे दूँगी, इंस्टाग्राम की भी लिंक दे दूँगी, आप इसके बाद जाके फॉलो भी कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे और साथ ही साथ वो वीडियो भी देख लेना, बहुत अच्छा बनाया मैंने, कैंडल वैक्स रीडिंग है। चलो लेट्स सी। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आज इस रिलेशनशिप में आगे? सो स्टिलनेस, हीलिंग, केओज, करेज, ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, ब्यूटिफुल। देखिए मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आते हुए दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप ये नोटिस भी कर रहे होंगे, कुछ एनर्जी शिफ्ट आप अपने अंदर भी ये नोटिस कर रहे होंगे कुछ यू नो कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से। आप कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो या ओवरली इमोशनल फील कर रहे हो, यू नो सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके लाइफ में, बट फिर भी एक यू नो उनसे बात करने की इच्छा या नीड आपको महसूस हो रही होगी, तो कुछ मिसिंग सा आपको लग रहा होगा और कुछ होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है, ये बेसिकली आपको फील हो रहा होगा अंदर ही अंदर। तो ये हो रहा है क्योंकि मेजर एनर्जी शिफ्ट्स हो रहे हैं। आप दोनों का रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है बहुत ही जल्द। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, ब्रेक थ्रू देखोगे, आपके पर्सन की सच्ची फीलिंग्स, उनके सच्चे इंटेंशंस आपके सामने आ जाएंगे और आप भी मुझे लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी ग्रो कर रहे हो, आपके अंदर भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं एज अ पर्सन। या तो आप बहुत पॉजिटिव सोचने लगे हो, आप अपने आप को कॉन्शियसली पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हो, यू नो अपने आप को हील कर रहे हो, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर भी देख रहे हो और रिश्ते में भी यू नो एक बिहाइंड द सीन्स हो रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहा है कि बहुत ही जल्द आप दोनों का रिलेशनशिप एक मेजर ब्रेक थ्रू से गुजरेगा जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप की काया पलट कर देगा, ओके? दूसरी चीज़ ना मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी मसले, जो भी आप दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई और जो भी यू नो एक डिस क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, आप
यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर थे आप दोनों के बीच में, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, आपके ओपिनियंस अलग थे, उनके ओपिनियंस अलग थे रिश्ते को लेकर, तो वो मुझे लगता है कि जो भी मसले थे, जो भी आप दोनों के बीच में किसी के भी किसी भी रीज़न की वजह से या किसी और के वजह से अगर जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, जो भी लड़ाई फसाद जो भी चल रही थी ना आप दोनों के बीच में, वो शांत होने वाले हैं। अब समय है हीलिंग का, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो जो एक बवंडर आप दोनों के रिलेशनशिप में आया है वो शांत हो रहा है अभी, और शांत होगा। आप धीरे धीरे देखोगे कि आप दोनों के बीच जो भी मसले आ रहे हैं वो धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, सब कुछ एकदम धीरे धीरे ठीक हो रहा है आप दोनों के बीच में, सब कुछ आप देखोगे कि अलाइनमेंट में जा रहा है, ठीक है। और ये सब यूनिवर्स कर रहा है, ये सब इस सब के पीछे डिवाइन पावर है, हायर पावर है, क्योंकि या तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान बढ़ रही है, आप ज़्यादा प्रे कर रहे हो, कुछ टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो, कुछ अपने आप को हील कर रहे हो ना, इस वजह से भी ये चीज़ें हो रही है कि जो अभी आप देखोगे कि मसले हैं आप दोनों के बीच में, जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। तो बहुत कुछ मुझे लगता है उथल पुथल हो गया आप दोनों के रिलेशनशिप में, अब उसका समय आ गया है सब कुछ ठीक होने का। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर करेज की कमी थी आप में, आपके पर्सन में, या तो वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो एक हिम्मत की कमी अगर थी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, अगर आप हिम्मत हार चुके थे, आपको लगने लगा था कि भाई मैंने तो हाथ टेक दिए, हाथ खड़े कर दिए, अब मुझसे ना हो पाएगा, यू नो मैंने इस रिश्ते को ठीक करने की, इस रिश्ते में बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, जितना कर सकती हूँ उतने से भी ज़्यादा कर ली, बट कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप देखोगे कि आपके अंदर वो हिम्मत जागेगी, वो स्ट्रेंथ आएगी। ओके, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, मैं आपको इस बारे में बताने भी वाली थी कि ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली कुछ बुरी साइकिल्स एंड होके कुछ अच्छी साइकिल्स मुझे होते हुए शुरू दिख रही है। और अभी आ रहा है 10-10 पोर्टल, जो कि आ रहा है 10 सितंबर को, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि आपके लाइफ के हर हिस्से पे उसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं करेंगे हम इस बार, हम ओवरऑल लाइफ की बात करेंगे। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आपकी स्टडीज़ में प्रॉब्लम्स चल रही है, अगर आप यू नो लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ लाइफ में, आपके फैमिली में, हर एक चीज़ के ऊपर हम एक बहुत डिटेल्ड वीडियो रखेंगे। ठीक है, पिक एन ऑप्शन रीडिंग होगा, तो डोंट वरी, 10-10, 10 तारीख को मैं वो वीडियो लाऊंगी, उसके पहले मे बी 9 डेट को ही डाल दूँ ताकि आपको पहले से ही आइडिया हो जाए। ठीक है, अगर मुझे कुछ एडवाइजेज या कुछ बताना है और एक्स्ट्रा तो मैं उस वीडियो में बताऊंगी। तो आप अगर एक्साइटेड हो वो वीडियो देखने के लिए 10-10 पोर्टल, क्योंकि 10 है कम्प्लीशन, 10 नंबर क्या डिनोट करता है? कम्प्लीशन। अब तक अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते होंगे तो आप समझ चुके होंगे 10 नंबर होता है साइकिल कम्प्लीशन, एक साइकिल एंड होके दूसरी साइकिल शुरू होना। तो जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप्स है, जितने कार्मिक सिचुएशंस है ना आप काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में, उसका दी एंड हो जाएगा। ठीक है, फाइनल वो ट्रूथ रिवील हो जाएगी, चीज़ें रिवील हो जाएंगी, रिश्ते जिनके काफ़ी रीयूनियंस भी होंगे इस दौरान, तो वो आप, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, तो मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी 10-10 पोर्टल। कौन कौन एक्साइटेड है वो वीडियो देखने के लिए मुझे नीचे बताइएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अभी, क्योंकि मैं उस बारे में इसलिए बता रही हूँ कि मुझे वो एनर्जी अभी से फील हो रही है कि जो हिम्मत आपने गवा दी थी, आपके पर्सन ने गवा दी थी, वो हिम्मत वापस आते हुए मुझे दिख रही है। ऑल्सो एक स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी ना आपको इस रिश्ते में, स्टेबिलिटी नहीं थी, कभी वो जाते थे, कभी आते थे, कभी क्या तो कभी क्या, तो वो एक स्टेबिलिटी आप इस रिश्ते में अब आगे से देख पाओगे। ठीक है, ओके, अब बेटर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो जो स्टेबिलिटी वो खो चुके थे ना आप दोनों रिलेशनशिप में, आप जो ढूंढ रहे थे इस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी, वो जहाँ आप चाहते थे कि रिश्ता ऑफिशियल हो जाए, वो अपने घर पे बात करे या एटलीस्ट आपसे उस बारे में वो बात करे, वो सारी चीज़ें आप देखोगे होते हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या कुछ है अभी इस वक्त, वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, ताकि हमें एक आइडिया आ जाए कि क्या होने वाला है आगे, क्या उनके एक्शंस हो सकते हैं। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पिक कर पाऊँ। कार्ड सीख लेते हैं कौन से आए हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे इंटीग्रेशन, दूसरा है यहाँ पे फाइटिंग, तीसरा है नथिंगनेस,
फोर्थ है अवेयरनेस और एग्जिस्टेंस। वाओ, सबसे पहला ही कार्ड बहुत ही बेहतरीन आया है। देखिए, ये यिन यांग एनर्जी है। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स के लिए बेसिकली ये जो 10-10 पोर्टल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस साबित होगा। काफ़ी बदलाव आएंगे, रीयूनियंस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है। इस दौरान जो कार्मिक ट्विन्स है, फॉल्स ट्विन्स है, आप पहचान जाओगे उनको और अपनी लाइफ से हटा दोगे, या तो कॉन्शियसली या तो डिवाइन उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। तो यिन यांग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी लोग अपने ट्विन से डील कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर भी आ रही है। उन्हें भी ये चीज़ महसूस हो रही है कि आप उनके आप कुछ अलग हो। जितने लोग उनके ज़िंदगी में आए हैं, जितने लोगों से उन्होंने डील करा है ना, आप उनसे कुछ अलग हो, ये चीज़ उन्हें अब महसूस होगी, ठीक है, आने वाले समय में। और ये एक रियूनियन का भी कार्ड है। काफ़ी लोग यहाँ पे आपके पर्सन आपसे रियूनाइट करेंगे, आपसे रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइटिंग है काफ़ी लोगों के लिए, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ झगड़े फसाद, जो एक फाइनल होता है ना, फाइनल झगड़े जहाँ पे सब कुछ सेटल आउट हो जाए, सब कुछ आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हैं, जो भी आप दोनों के बीच में कब से अटके पड़ी हुई सिचुएशन है, उस पर बात ही नहीं हो रही है। देखिए, अगर किसी चीज़ पे क्लैरिटी लानी है तो उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है जिस पे बात करना कब से बहुत ज़रूरी था, लेकिन आप दोनों टाल रहे थे या आपके पर्सन टाल रहे थे, तो मुझे लगता है उस बारे में बात होगी। और उस दौरान आप दोनों में कुछ लड़ाई भी हो सकती है, कुछ फाइटिंग भी हो सकती है, नॉट फाइटिंग मतलब WWF नहीं, वर्बल फाइट्स हो सकती है। काफ़ी लोगों के लिए ना, मुझे लगता है कि आप एक स्टेबिलिटी, या कह लो जैसे होता है ना कि तूफ़ान आने के बाद या तूफ़ान आने से पहले की जो शांति होती है ना, उस तरह मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप एक पीसफुल एरा में घुस रहा है, एक पीसफुल एरा में जा रहा है, जहाँ पे सब कुछ एक लहर आएगी, जहाँ पे सब कुछ आप दोनों सब बोल दोगे एक दूसरे को, अपने दिल की बात एम्प्टी कर दोगे अपने आप को, और फिर कुछ नहीं बचेगा बोलने के लिए, ठीक है। फिर एक नई क्लीन स्लेट से शुरुआत करोगे। मुझे आपके पर्सन के अंदर आने वाले टाइम में ये आपको बहुत मिस करने लगेंगे, और कहीं ना कहीं उन्हें, जैसे मैंने कहा कि वो महसूस करेंगे कि आप उनके ही एक पार्ट हो, आप उनका सोल हो, ठीक है। वो अवेयरनेस उनको आ जाएगी कि यू बिलोंग टू देम, आप उनके हो, वो आपके हैं, आप दोनों एक दूसरे को बिलोंग करते हो, और आपको मिस काफ़ी करने लगेंगे। आपकी याद इस पर्सन को और ज़्यादा इंटेंसली आने लगेगी, वैसे भी काफ़ी याद करती है, लेकिन और ज़्यादा ये पर्सन आपको याद करने लगेंगे, ओके। इनको ये महसूस होगा कि आपके लिए उनके कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन्होंने कितने प्रोमिसज करे हैं जो उन्हें निभाने होंगे, ठीक है। वो ऐसे ही भाग नहीं सकते इस रिश्ते से या आपसे। और लास्ट है यहाँ पे एग्जिस्टेंस। मे बी वो अपने आपके लाइफ में अपनी प्लेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जो जगह उन्होंने अपने बेवकूफ़ियों की वजह से, अपने प्रॉब्लम्स की वजह से खो दी है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो दूर नहीं होना चाहते आपसे, ओके। चलिए और देखते हैं हमारे दूसरे ओरेकल से भी क्या होने वाला है आगे आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे है इमोशनल फ्रीडम, द गार्डनर और यिन यांग। देखिए, ये कन्फर्मेशन है। काफ़ी लोग यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनाइन से डील कर रहे हो। देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अगर आपके लाइफ में अभी तक आपका ट्विन फ्लेम एंटर नहीं हुआ है, काफ़ी लोगों के लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम एंटर होंगे, चाहे फिर ये वही पर्सन हो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर वो आपके ट्विन हैं तो वो आपके ज़िंदगी में आएंगे फिर से, या फिर उनको भी ये रियलाइजेशन होने लगेगा कि कुछ डीप कनेक्शन है, ठीक है, या आप दोनों के सोल्स एक दूसरे को पहचान लेंगे। अगर आपके पर्सन ही आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, तो जो आपके ट्विन फ्लेम है, जो आपके रियल ट्विन फ्लेम है, वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ओके। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम्स के लिए, देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में ना 7 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, और कई स्टेजेस रिपीट भी करी जाती है, कई स्टेजेस रिपीट भी होती है, हर एक कपल के वो अलग अलग सिचुएशंस होती है हर ट्विन्स के। तो आपके केस में आप जिस फेज़ में हो ना, अगर वो फेज़ पेनफुल फेज़ है, सेपरेशन फेज़ है,
या चेजिंग एंड रनिंग वाली फेज चल रही है आपकी, मैं उस बारे में बताऊंगी आपको। मुझे सच में टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ मेरे पर्सनल लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं तो सच में मुझे टाइम नहीं मिलता है। बट आप उसके ऊपर वीडियो देखो, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बने हैं यूट्यूब पे। अगर मुझे कोई वीडियो मिलता है मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगी, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं जहाँ पे सब कुछ शेयर करते ही रहती हूँ मैं वहाँ पे कोई वीडियो शेयर कर दूंगी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कोई पेनफुल फेज से गुजर रहे हो, किसी पेनफुल स्टेज पे हो आप ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो उससे बाहर निकलोगे एंड यूनियन की तरफ इंटेंसिटी के साथ बढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे लगता है काफ़ी लोगों के लिए एक्सप्रेशन ऑफ लव होने वाला है। ओके, जो चीज़ें दिल में हैं, जो चीज़ें अंदर दबी हुई है, जो चीज़ें बाहर अब तक नहीं आ पाई है, वो चीज़ें अब बाहर आएंगी। ये माइंड मत करिए, ये मैंने यहाँ पे बैंडेड लगाया मेरे हाथ को बहुत मतलब बुरी तरह से, नया नाइफ होता है ना, वो नए नाइफ से हमेशा मेरे इनॉग्रेशन हो जाता है, मेरे हाथ को लग जाती है। एनीवेज, तो मुझे कर लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के लिए जो चीज़ें ना आप दोनों की अपने अंदर है, जो आपके पर्सन के अंदर बातें हैं जो बाहर नहीं आ पा रही है ना, वो फाइनली ये पर्सन बोलेंगे आपसे। ये अपने मन की सारी बातें फ्री कर देंगे अपने मन से, अपने दिल से, ठीक है, आपके सामने रख देंगे जैसे तैसे। और लास्ट है यहाँ पे द गार्डनर। देखिए, पर्सन फिर से आप पे काम करना शुरू करेंगे, इस रिश्ते से पे काम करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है पास में इस पर्सन ने एफर्ट्स डालना छोड़ दिया, आपके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया, आपको इग्नोर कर दिया, आपसे अपना ध्यान हटा लिया। बट अब फिर से उनको वो नीड महसूस होगी कि नहीं, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, ये पर्सन मेरे लिए ज़रूरी है, मेरा हर वक्त और हर जो फीलिंग्स है मेरी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़े से मेरे जो हैंड रिटन कार्ड्स हैं उनसे देख लेते हैं क्या मेजर हो सकता है आप दोनों के बीच में आने वाले समय में, आप दोनों में क्या मेजर हो सकता है, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं जो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, या फिर क्या कुछ हो सकता है, क्या होने वाला है, व्हाट चेंजेस क्या ये पर्सन कर सकते हैं या क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पे है ये बापरे, सारे पिंक ही निकल रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं डोमिनेंस। देखिए, अगर ये पर्सन आपको डोमिनेट करते थे या आपका डोमिनेंस बिल्कुल ही ज़ीरो था इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लगता था कि भाई ये रिश्ता अकेले का, इस पर्सन का है या हम दोनों का है, क्योंकि या तो ये पर्सन आपको बहुत डोमिनेट करा करते थे, तो मुझे लगता है आपको उससे छुटकारा मिलेगा, ये पर्सन समझ जाएंगे कि उन्हें आपको डोमिनेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉल टेक्स्ट, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के लिए अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, तो आपकी उनसे बात होने वाली है, बहुत ही जल्द उनका कॉल या टेक्स्ट आपको आ सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट। यहाँ पे ब्रेन वॉशिंग अगर हो रही थी आपकी, आपके पर्सन की, अगर उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी कोई भी था जो उनके दिमाग में चीज़ें भर रहा था, उनको आपके खिलाफ कर रहा था, तो ब्रेन वॉशिंग से ये पर्सन या आप अपने आप को बचा लोगे और उससे बाहर निकल आओगे उस इन्फ्लुएंस से। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो दोनों ही, ये मुझे दोनों की एनर्जी लग रही है। खैर, आप तो मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हो, एटलीस्ट आप उस बारे में पढ़ते हो, नॉलेज रखते हो, लेकिन आपके पर्सन के लिए मुझे लगता है ये एकदम नया है, ये पर्सन कभी भी स्पिरिचुअल नहीं रहे हैं इतने लेवल पर जितने आप हो, इसीलिए भी इनको ट्विन फ्लेम और ये सारी चीज़ें इतने रियलाइज़ हो रही है। और यहाँ पे एम्बिशियस है, तो हो सकता है आप दोनों अपने करियर को लेकर एम्बिशियस बिल्कुल नहीं थे, अपने करियर पे फोकस नहीं करते थे, तो अब अपने अपने करियर्स पे आप दोनों फोकस करोगे और उसको इम्पोर्टेंस भी दोगे। चलिए गाइस, टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन होंगे इस पर्सन के, क्या एक्शंस ले सकते हैं ये पर्सन। ओके, तो पहला कार्ड रहेगा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। ओके ओके, सो कार्ड्स देख लेते हैं, मैं और कार्ड्स निकालूंगी, डोंट वरी। तो कार्ड्स, सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन अर्थ एनर्जी है, फिर से है अर्थ एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर से अर्थ एनर्जी है, एट ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वाटर एनर्जी है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर एनर्जी है, और डेविल है कैप्रिकॉन। ओके, देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि
आपके पर्सन ना आपको स्टेबिलिटी देंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, अगर ये पर्सन बहुत इनकंसिस्टेंट रहे है, बहुत ऑन एंड ऑफ रहे है, बहुत वेट करवाया है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी अगर रही है, तो अब पेस पकड़ेंगे, पेस आएगा इस रिलेशनशिप में, आगे बढ़ेगी चीज़ें फटफट से, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन का जो प्यार है, जो इंटेंसिटी है आपके लिए, जो एक जुनून है, पैशन है, अट्रैक्शन है, वो बढ़ता ही जा रहा है। डेविल की एनर्जी आई है यहाँ पे, चाहे ये फिजिकल अट्रैक्शन हो या चाहे किसी भी तरह का अट्रैक्शन हो, ये अट्रैक्शन मुझे बढ़ते हुए दिख रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा इस हद तक ये अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कि ऑब्सेसिवनेस में बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि ये इसलिए इतने ऑब्सेसिव हो जाते हैं क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, या आप पे हक जताते हैं क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। अब अपने अपने अलग अलग बाउंड्रीज होती है हर एक की, अपने अपने अलग सोच होती है, किसी को ये पजेसिवनेस ऑब्सेसिवनेस पसंद आती है, किसी किसी को नहीं आती है, ठीक है। तो लीड लेंगे आपके पर्सन, जो लीड ये नहीं ले रहे थे काफ़ी समय से, जो ये भाग रहे थे ना इस रिश्ते से, वो वापस इस रिश्ते पे काम करना शुरू कर देंगे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि जो ट्रस्ट इशूज़ आप दोनों के बीच में आ रही थी पास्ट में, या फिर इस पर्सन ने अगर आपको चीट करा था, तो वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, या फिर वो जो भी जिस भी सिचुएशन में आप चीटेड फील कर रहे थे, या अगर आपके ऊपर इस पर्सन ने काफ़ी अक्यूजेशंस लगाए थे और झूठ बोलने के आरोप या चीट करने के आरोप या कुछ भी ट्रस्ट इश्यूज अगर थे बेसिकली, तो वो दूर हो जाएंगे आने वाले समय में। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लगता है, अगर ये पर्सन झूठ भी बोलते थे तो ये झूठ नहीं बोलेंगे, अपनी सच्चाई आपके सामने रखेंगे, चाहे फिर उसका अंजाम कुछ भी हो। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि अगर अपने इस पर्सन से बात करने की कोशिश करी है पिछले 3 हफ्तों में, 3 महीनों में, इस पर्सन ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, इन्होंने आपको इग्नोर अगर करा है, तो फाइनली वो उन मैसेजेस को फिर से देखेंगे, फिर से उस मैसेज पे यू नो रिप्लाई भी कर सकते हैं अगर रिस्पॉन्स आपको नहीं आया इस पर्सन का, ठीक है। उनको बहुत अकेलापन महसूस होगा, आपके मैसेजेस वो बार बार पढ़ेंगे, बार बार उस पर नज़र उनकी जाएगी कि यार मैंने क्यों रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि अब इस पर्सन के अंदर वो एक इच्छा हो रही है कि बात करी जाए। अगर आपको इस पर्सन से कोई मैसेज लाइक आपके किसी मैसेज का अगर रिप्लाई नहीं आया तो रिप्लाई आएगा, बट अगर आपने कोई मैसेज नहीं करा है इस पर्सन को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन कि अकेलेपन में इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि ये खुद रीच आउट करेंगे। हो सकता है कि आपको 4-5 बार इस पर्सन की तरफ से मैसेज कॉल आए और आप रिप्लाई ना करो, या आप रीड पे छोड़ दो मैसेजेस, अनरीड छोड़ दो, बट ये पर्सन फिर भी रीच आउट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि दूर जाने का या बात ना करने का या कम बात करने का डिसीजन इस पर्सन का था, तो आप चाहते हो कि ये पर्सन रियलाइज़ करे, अपनी गलतियों को माने और आपके पास आए। मुझे काफ़ी लोगों के लिए इस पर्सन की तरफ से बहुत एफर्ट्स डालते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहा है। 8 of Pentacles की एनर्जी है, जैसे गार्डनर की एनर्जी है ना, एग्जैक्टली वैसे ही है। जितना एफर्ट्स इस पर्सन ने आज तक नहीं डाले थे ना इस रिलेशनशिप में, उतना एफर्ट्स ये पर्सन डालेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है ये अभी का नहीं है, ये पर्सन अगस्त से ही ये चेंज अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, आपको पाने की इच्छा, आपसे बात करने की इच्छा, और वो फाइनली पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। मुझे ये भी लगता है कि अगर आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए थी, अगर आप चाहते थे कि ये आपको कुछ ऑफ़र करे, कुछ स्टेबल, कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ सॉलिड सा, तो वो सॉलिड ऑफ़र, वो लॉन्ग टर्म ऑफ़र ये पर्सन फाइनली आपको देंगे, ठीक है। जो कुछ भी आप इनसे चाहते थे अपने लेवल पे, अपने रिश्ते में, आप सबकी अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, प्रॉमिस जो भी आप चाह रहे थे, जो भी, ये पर्सन आपको वो खुद होके देंगे, ओके। एंड जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन बिल्कुल भी आपको खोना नहीं चाहते, आपको लेकर काफ़ी पजेसिव या कह लो ऑब्सेसिव है ये पर्सन, और ये आपको अपना बना के ही रहेंगे, आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहते ये पर्सन। भले ही बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, बट देर आए दुरुस्त आए काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, मुझे देखना है इनके सबसे इंटेंस फीलिंग्स इस वक्त क्या है। ओके, सी
मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6। देखिए ये पर्सन टोटली प्यार में इमोशंस में खो चुके हैं। अगर ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन थे तो अब टोटल उल्टा हो गया है। ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं। 6 of Cups की एनर्जी है, आपके मेमोरीज में आपकी यादों में खो चुके हैं, एक नॉस्टैल्जिया हो गया है, फ्लैशबैक में चले गए हैं। आपको सॉरी बोलना चाहते हैं अगर आपसे कुछ गलती उन्होंने अपने आप से कुछ गलती करी थी उन्होंने तो। ये पर्सन कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, कुछ इमोशनल सा, कुछ दिल को छू देने वाला, और बहुत ही खोए हैं ये आपके यादों में, ठीक है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ये आपको फर्म फाउंडेशन देना चाहते हैं। 4 of Wands की एनर्जी है, डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक इस पर्सन के मन में इतने चेंजेस मैंने कभी नहीं देखे, आज फर्स्ट टाइम मैं इतने ज़्यादा चेंजेस देख रही हूँ इस पर्सन में। अगर स्पेशली आपको मेरी रीडिंग्स रेजोनेट होती है तो कलेक्टिव्स, तो बहुत ज़्यादा मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और उसी बारे में सोच रहे हैं। फॉर्म फाउंडेशन एंड अचीवमेंट नंबर 4, यस दे वॉन्ट टू ऑफर स्टेबिलिटी। आपके साथ फैमिली शुरू करना चाहते हैं और इस बारे में बात होगी आप दोनों के बीच में। किसी के लिए तो मुझे लगता है 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, आने वाले, ठीक है। सो तैयार रहिए, मैं बस इतना ही बोलूँगी आपको। चलिए कुछ ओरेकल एडवाइस देख लेते हैं कि ओरेकल एडवाइस क्या है आपके लिए। सबसे पहला जो ओरेकल एडवाइस है, रिफ्लेक्शन। देखिए मुझे लगता है ये वक्त है एक दूसरे को वक्त देने का, एक दूसरे को स्पेस देने का, वक्त मतलब स्पेस देने का, ताकि आप दोनों रिफ्लेक्ट करो अपने आप पे इंडिविजुअली, ठीक है। और ये भरोसा रखो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। भरोसा रखोगे तो ही होगा, नई बिगनिंग होने वाली है बहुत ही जल्द। एक नया एडवेंचर, एक नई बिगनिंग होने वाली है, आपको बस उसको एम्ब्रेस करने के लिए, उसको जीने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना है पैशनेटली। और एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग यहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्टेंस में नहीं है, तो एक्सेप्टेंस में आना है कि जो भी मुझे मिल रहा है उसको मैं एक्सेप्ट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। और कहीं ना मुझे लगता है कि जितना आप एक्सेप्टेंस एनर्जी में आ जाते हैं ना कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ वो है, तब आपके अंदर एक इनर पीस आ जाता है, आप शांत हो जाते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैंने बहुत ऐसे रेस्टलेस क्लाइंट्स से डील किया है जो बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन वही लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि दीदी आप सही थे, आपने जो जैसा बोला एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। मैं उनको तभी भी वही बोलती हूँ कि आप एक्सेप्ट करो ये चीज़ें। कभी कभी तो उनके भी मतलब रीडिंग करते करते मुझे उनकी एनर्जी जब फील होती है तो मैं उनको बोलती हूँ आप थोड़ा सा इम्पेशेंस हो रहे हो, आप थोड़ा सा इम्पल्सिव हो रहे हो, प्लीज़ अपने आप को यू नो कूल डाउन करो। फिर 2-3 दिन बाद वो खुद ही मुझे बोलते कि आप सही कह रहे थे, हम बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे। देखिए आपकी भी गलती नहीं है, सिचुएशंस अगर इतनी ख़राब हो जाती है तो आप भी यू नो एट टाइम्स इंपल्सिव हो जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ, आई कैन टोटली रिलेट टू इट। मैं भी एक ऐसे दौर से गुजर चुकी हूँ, मैंने भी कई पागलपन किए अपने लाइफ में, सो इट हैपन्स, ओके। चलिए आपके लिए एक एंजल गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। कुछ सवाल भी पूछ सकते हो आप, एंजल्स डेफिनेटली आंसर करते हैं। एक ही कार्ड चाहिए मुझे, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। अनलाइकली, तो देखिए जो भी आप चाह रहे हो इस वक्त, देखिए करंटली वो अनलाइकली मतलब नहीं हो सकता, बट इसका मतलब नहीं कि वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इस वक्त में भी वो नहीं हो सकता या वो आपको नहीं करना चाहिए। चलिए थोड़े लव मैसेजेस देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। गाइज 8000 लाइक्स तक पहुँचाना है, प्लीज़ पहुँचा देना, मेरी लाज रख लेना, ओके। आई नो आप करोगे। ओके सो आपके पर्सन का पहला मैसेज आपके लिए है, अभी भी मुझे होप्स है कि सब ठीक होगा। तो इस पर्सन को होप्स है कि सब कुछ ठीक होगा, मुझे बस तुम्हारी खुशी और प्यार चाहिए। तो इस पर्सन को बस आपकी खुशी और प्यार चाहिए। मैंने तुम्हें ही नहीं अपने आप को भी खो दिया है। तो अगर आपको लग रहा था कि ये पर्सन ने आपको खो दिया, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको भी खो दिया है, अपने आप को भी खो दिया है। सबसे लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, तो ये पर्सन सबसे लड़ना चाहते हैं, लड़ जाएंगे आपके लिए, तैयार है। मैं अब अपनी फीलिंग से नहीं भाग सकता, सो वो अपने प्यार से, अपने फीलिंग से नहीं भाग सकते।
मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो अब प्लीज़। तो मे बी आप दोनों फोर्सफुली एक दूसरे को बहुत फाइटिंग कर कर के एक दूसरे के पास रह रहे हो। मे बी आपने आपके बेस्ट फ्रेंड थे या बेस्ट फ्रेंड है। काश हम दोनों इस तरह दूर नहीं होते, तो इस पर्सन को बड़ी यू नो बड़ा दुख हो रहा है कि आप दोनों दूर हो गए, मेरी वजह से हमारा प्यारा सा रिश्ता ख़राब हुआ। तो ये पर्सन मान रहे हैं अपनी गलती। मेरा इंतज़ार करना, मैं लौट के आऊँगा। जितना तुम मेरे दिल के करीब हो उतना और कोई नहीं, तो इस पर्सन के दिल के करीब आप ही हो। और आखिरी मैसेज है, हमारे बीच जो गलतफहमी है ये कैसे ख़त्म करो। तो बस सोच रहे कैसे गलतफहमियों को ख़त्म किया जाए। तो बस यही थी रीडिंग, कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो आपको करना ही है, मुझे प्यार दिखाइए। 8000 लाइक्स मुझे चाहिए इस वीडियो पे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप देख रहे हो आजकल मैं दो दो वीडियोस डाल रही हूँ। सो या प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा, वहाँ पे मैं रील्स डालती हूँ, तो एक्स्ट्रा वीडियोस मिलते हैं आपको वहाँ पे। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो।